अस्सलाम वालेकुम। फिर आज एक बार हुमेरा के किचन में दूसरी नई रेसिपी और इजी रेसिपी के साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे कहते हैं चार और दूसरे तमिलनाडु में कहते हैं से रसम और का तो मुझे पता नहीं। यहाँ पे मैं बैंगलोर में बना रही हूँ तो मैं इसमें डालूँगी काले मिर्च, ज़ीरा, सूखी मिर्च, करेपाक और एक बड़ा टॉप टमाटर जो मैंने से चॉप करके रख लिया है। पहले मैं इसको पूरा ग्राइंड में करूँगी विदाउट वाटर, बिना पानी में डाले इसको मैं पूरा ग्राइंड करूँगी। बहुत लोगों को आता है ये, इसमें दो तीन ट्रिप्स हैं, मैं आपको एक एक दिखाऊँगी। तो आज मैं ये बना रही हूँ, किसी दिन वो बनाऊँगी आपको दिखाऊँगी। तो मैंने यहाँ पूरा जार कर लिया है, देखिए आप सूखा सा पाउडर है पूरा, मैंने इसको इसमें निकाल लिया। अब मैं इसमें डालूंगी ये टमाटर जो मैंने वॉश करके चॉप्स में निकाल के हैं, बड़ा वाला ये। तो मैं यहाँ ये भी भीगने डाल के हूँ इमली, आप इमली स्किप करना चाहते हैं तो थोड़ी सी इमली डालकर टमाटर ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको भी अभी ग्राइंड करूँगी। विदाउट वाटर में मैंने ऐसा ग्राइंड कर लिया, ज़्यादा नहीं, आप देख सकते हैं कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे ये रख के तेल डालूँगी। बहुत इजी ट्रिप्स हैं मेरे पूरे, आप ट्राई करके देख के मुझे बताना। तो इस वाले ग्राइंड में आपके टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लीजिए, तो मेरे टेस्ट के हिसाब से, और इसमें थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी हल्दी डालनी, ठीक है। यहाँ पे तेल गर्म हो गया है, अभी मैं इसको डालूँगी यहाँ पर। इसको जला मत देना, देखिए मैंने सिम पे रखा है तेल गर्म होने के बाद। तो मेरा मसाला ग्रीन है, वीडियो में आपको ब्लैक दिख रहा है लेकिन ग्रीन है यहाँ पे। तो मैं अब ये डालूँगी टमाटर का पेस्ट। इस मसाले को जलने नहीं देना, देखिए मैंने सिम पे ही रखा। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी जो मैंने जार में से पानी डाल लिया इसमें, और अब डालूँगी मैं इमली का रस, इमली का रस जो मैंने निकाला था वो डालूँगी। पूरा मैंने पेस्ट बना लिया इमली का, तो यही है। अब इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि खटासगी कितनी है, आपको कितनी चाहिए, इसके बराबर आपको इसमें पानी डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ, मैंने यहाँ पे इसमें से दो ग्लास पानी लिया, ठीक है। आप इस रेसिपी को भी ट्राई करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना आपको कैसी लगी। आपको बहुत इजी ट्रिक है ये बनाने के लिए। तो मैं इसको पकने नहीं दूंगी, आपको दिखाऊंगी, उसके बाद मैं हरा धनिया मतलब कुथमीर ऊपर डाल के स्टोव बंद कर दूंगी। अभी मैं हाई पे रखे हूँ तो अब इसको बस मुझे गर्म करना है, आपको मैं दिखाऊँगी। देखिए इस तरह आने के बाद हमें कोथमीर ऐसा गार्निश कर देना, इसको पूरी तरह अच्छा पकने नहीं देना, बस इतना होएगा, आप इसका ध्यान रखिए, इतना होएगा तो आप ऐसा कर दो, कोथमीर डाल के इसको बंद कर दो। देख सकते हैं ये जैसा ऊपर आ रहा है ना आपको हरा धनिया मसाला, तो बस इतना ही है इसमें। अब फिर आप स्टोव बंद कर दो। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी आज बीफ फ्राई कैसे करते हैं। तो मैं बीफ को पहले छोटे छोटे चॉप्स में कट कर लिए इतने इतने, तो मैं इसको सूखा फ्राई करूँगी। तो मैंने यहाँ पे बीफ डाल लिया, फिर मैं डालूँगी चिल्ली पाउडर, आपको टेस्ट के हिसाब से डाल लेना, ठीक है। फिर मुझे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा गरम मसाला, और नमक टेस्ट के बराबर। आज मुझे टाइम नहीं है, मुझे शॉपिंग जाना है, इसलिए मैं आपको ऐसे ही दिखा दिया जल्दी जल्दी में दो रेसिपी, आप देख लेना। इतना डाल दिया, मैं अब इसमें डालूँगी पानी और इसमें गिरेगा थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं क्योंकि हम सूखा बना रहे हैं।
फ्राई करेंगे इसे, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो स्मेल आ जाएगी। तो मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची का पाउडर, हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, टेस्ट के बराबर नमक। तो मैंने स्टोव पे नहीं रखा है इसे, ऐसे ही रख के डाल ली हूँ। मैंने इसमें ना तेल डाला, इसमें बस बीफ, मिर्ची, हल्दी, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा गरम मसाला। मैंने अभी इसमें तेल डाला नहीं, तो मैं इसको ऐसे ही गला लूँगी। ठीक है, मैं इसमें 3 विजल लगा के थोड़ी देर सिम पे रखने वाला। तो मैंने ऐसे ही स्टोव पे हाई फ्लेम में रख के 3 विजल्स लगा के 5 मिनट सिम पे रख के फिर मैं स्टोव बंद कर दूँगी। तो मैंने खोल लिया था कुकर और देखिए इस पर पानी है, गोश्त गल चुका है, मतलब बीफ गल गया है, आप देख सकते हैं। तो अभी मुझे ये पानी पूरा सुखाना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ चाहिए कड़ी पत्ता और ऑयल। मैंने कड़ी पत्ता रेडी कर लिया है अपने लिए और कढ़ाई भी रेडी है, बस इसको पानी सूखेगा तो मैं इसमें, पानी सूख जाएगा तो फिर मैं इसमें डाल लूँगी। आप देख सकते हैं मेरा पूरा पानी सूख गया है, तो मैं अभी इसे उतारती हूँ नीचे और मैं इस वाली कढ़ाई को रखती हूँ। मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है, अभी मैं डाल रही हूँ इसमें से थोड़ा सा तेल, ज़्यादा नहीं लगता इसमें, थोड़ा सा ही लगता है। आप थोड़ा सा ही डालिए, इसमें मैंने करी पात डाल लिया है। करी पात कल्डा हो चुका है, अब मैं डालूंगी इसको इसमें। बताइए, तेल गर्म हो गया है, मैंने डाल लिया इसमें गोश्त। तो आपको अच्छी लग रही है ये, कलर भी कितना अच्छा है ना। आप मत भूलिए कि लाइक शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ट्राई करके देखिए। आप इसमें चपाती के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं। मैंने इधर बना दिया है अपना चार, इसको रसम भी बोलते हैं, चार भी बोलते हैं और कुछ मुझे नहीं पता। तो ये खट्टा रहता है, अच्छा लगता है, उसके साथ ये बना दिया मैंने और टिक्के वाइट राइस बना दिया। ठीक है, अभी मैं स्टोव बंद करती हूँ, इसको बंद कर दूँगी। तो आज की रेसिपी यहीं पे ख़त्म हो गई, मैं कल को मिलूँगी आपकी दूसरी रेसिपी के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।